हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं कोहलार्स ला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने किया था कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर इट्स मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो वहाँ पर मैंने पाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो एक चैलेंज था, उस चैलेंज को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, कोहलार्स। उसने एक ला दिया, कोहलार्स ला। स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, आप थोड़ा ध्यान से करना, अंग्रेज है, अंग्रेजों की स्पेलिंग ऐसी होती है, तो आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे। मेन है इसकी स्टेटमेंट आपको समझनी है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है ये ला। अकॉर्डिंग टू दिस ला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस मल्टीप्लाइड इट आयंस जो होंगे कैटाइन और एनायन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आयन जो हैं दो तरह के हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन, ये आप ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, एग्जाम्स के अंदर हरियाणा बोर्ड में कई बार पूछा गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, इसके एप्लीकेशन पूछ लेते हैं हरियाणा बोर्ड के अंदर। सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल पूछते हैं, स्टेटमेंट सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर आप स्टार लगा लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस समझ के याद करा देखिए। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए है, आपके पास एग्जाम्पल है CH3COH, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो CH3CO- प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वीक, जो अपने आयंस में पार्शली डिसोसिएट होता है, पूरी तरीके से टूटता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा एम ऑफ CH3COOH, ये लगा दिया हमने नोट, याद रखना। नोट का मतलब है लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब पहले भी बताया था कि इस के बाद आप कितना भी डाइल्यूशन कर ले कंडक्टिविटी इफेक्ट नहीं कर पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग। इज इक्वल टू ये लैम्डा CH3COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये जो आपके सामने है ये आपका हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो याद देखिए एग्जांपल के आपके पास है, ये जो आपके पास एनायन है और ये कैटायन, जो स्टेटमेंट कहती है इसको समझना, अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग कनेक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। मतलब यहाँ पर अगर कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 2-3 जो भी होता है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कोहलार्स ला। तो याद रखेंगे आप, देखिए एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ मैं, एक जनरल सा एग्जांपल XBY, इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो XY पॉजिटिव नेगेटिव आएगा प्लस YB X नेगेटिव आएगा।
तो अगर आप इसका लिखते देखिए, इसके अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं 90 के ऊपर ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये, आपके पास ए वाई नेगेटिव एक्स आगे लगा दिया हमने, और प्लस लेमडा बी एक्स नेगेटिव और ये वाई आगे लगा दिया हमने। तो ये जो आपके पास है ना, ये क्या इसके कोफिशेंट है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें मेन बात यही रहेगी कि जो आपके पास आयन्स कैटायन और एनायन्स उनकी लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी का सम होता है मोलर कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो ये आपके पास कोलास। अब आता है इसकी एप्लीकेशन पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, एप्लीकेशन देखिए इसकी। अब एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द मोलर लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी वो आप इससे निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। फॉर्मूला ये रहेगा जो आपने किया, जैसे आपके पास एन एस फोर ओ एच है, डिकम्पोज किया इसको हमने, एन एस फोर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ये आप निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला बेस्ड। लेमडा एन एस फोर ओ एच इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन एस फोर पॉजिटिव प्लस लेमडा ओ एच नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है जो आप न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको। सेकंड देखिए, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हो रहा है उसको भी आप इससे निकाल सकते हैं। किसने एक फॉर्मूला दिया साइंटिस्ट ने, क्या दिया, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नोट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके पास है एट कंसेंट्रेशन सी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं क्या है सी और नोट, आपको क्लियर कर लेना है नोट क्या है। नोट का मतलब इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन करें कंडक्टिविटी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो एग्जांपल हमारे पास है, अगला जो एप्लीकेशन है वो है, आप लिखेंगे टू कैलकुलेट द, थर्ड है टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका के जो होता है वो आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम में, जब ये रहेगा तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आता है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, देखिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो रहेगा आपके पास के सी, ये आपने पहले भी किया सी अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी इज द कंसेंट्रेशन जो रहेगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ रहेगा, देखिए टू कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूबल साल्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास ए जी सी एल है, ए जी बी आर है, बी एस सी एल टू है, ये अगर इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब डिजोल्व नहीं होते हैं, कम डिजोल्व होते हैं, तो उसकी जो सोलबिलिटी है वो उसकी कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाती है उसके इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या रहेगा, लेमडा एम इज इक्वल टू होती है कापा इंटू 1000 अपॉन सी, अब सी जो होती है मोलरिटी, आप इसको लिख सकते हैं एम लिख दिया मैंने मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सोलबिलिटी। क्यों होता है आपका सोलबिलिटी सी इज इक्वल टू ना सोलबिलिटी, तो ये आपको याद रखना है, इसकी वजह से आप इसको सोलबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी एप्लीकेशन। अब इतनी एप्लीकेशन करने के बाद हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है आपके एग्जाम्स में।
शायद एप्लीकेशन ना है लेकिन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपका। अब देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड हम एक नेक्स्ट।